मोस्ट वेलकम बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं द इंडिगो चैप्टर, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। हमने देखो यहाँ तक पढ़ चुके थे कि गांधी जी जो है, जब कोर्ट से सामना हुआ, गांधी जी जब कोर्ट पहुँचे तो वहाँ पे हजारों हजार किसानों की भीड़ जो है वो मोतिहारी टाउन में पहुँच गई थी। और इतनी विशाल भीड़ को देख करके बच्चों जो कोर्ट जो था और जो ऑफिशियल्स थे वो डर गए थे, और उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो सुपीरियर जो अथॉरिटीज़ है हम उनसे कंसल्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा था कि भैया हम कंसल्ट करेंगे हमारे सुपीरियर अथॉरिटीज है। तो चलिए आगे यहां से कंटिन्यू करते हैं फिर क्या होता है। तो बच्चों देखिए यहां पे फिर क्या हुआ, गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी डिले नहीं करना चाहते थे। प्रोटेस्टेड का मतलब होता है विरोध करना। तो गांधी जी ने कहा कि भाई नहीं, आप इस मामले को रोक नहीं सकते, आप अपने सुपीरियर जो अथॉरिटीज हैं उनसे विचार विमर्श करना चाहते हो, आप कंसल्ट करना चाहते हो, इससे हमारा मामला डिले हो जाएगा, हम डिले नहीं चाहते। तो गांधी जी ने डिले का विरोध किया। He read a statement pleading guilty. वो तो गांधी जी ने अब यहाँ पे एक कथन पढ़ा, क्या करते हुए, अपने अपराध को स्वीकार करते हुए गांधी जी ने कहा कि चलो भाई देखिए मैं अपराधी हूँ, ऐसा कहते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा गांधी जी ने। He was involved. He told the court. गांधी जी ने यहाँ पे बताया कोर्ट को कि भाई मैं अपराधी हूँ, मैं कैसे हूँ अपराधी। तो गांधी जी ने कोर्ट को बताया कि he was involved. मैं शामिल हूँ किस में, इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, मैं कर्तव्यों के विरोधाभास में शामिल हूँ। मतलब मेरे दो कर्तव्य हो गए है ना, तो अब मैं अगर उसको करूँ या इसको करूँ, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, कर्तव्यों के विरोधाभास में फंस गया हूँ, मैं कर्तव्यों के विरोधाभास में शामिल हो गया हूँ। ऑन द वन हैंड गांधी जी कहते हैं देखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज क्या है। देखो बच्चों यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि गांधी जी किस प्रकार कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में इन्वॉल्व थे, मतलब एक विरोधाभास या द्वंद्वात्मक स्थिति में पहुंच गए गांधी जी। तो एक तरफ तो क्या था, एक स्थिति तो ये थी नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। गांधी जी के पहली बात तो ये है कि चूंकि मैं कानून को तोड़ने वाले के रूप में एक उदाहरण पेश नहीं करना चाहता, मुझ पर ये आरोप नहीं लगे कि भाई मैं कानून का पालन नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल कानून का पालन करने वाला आदमी हूँ, तो मैं एक ऐसा उदाहरण सेट नहीं करना चाहता, मैं एक ऐसा उदाहरण पेश नहीं करना चाहता। कैसा उदाहरण, कि मैं कानून को तोड़ने वाला बनूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस, और दूसरी तरफ ये है कि मैं मानवता की और मैं राष्ट्र की सेवा भी करना चाहता हूँ। दो बात है, मैं कानून को भी नहीं तोड़ना चाहता और दूसरी बात मैं जो है वो मानवता की सेवा, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवता, ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं मानवता की सेवा भी करना चाहता हूँ एंड नेशनल सर्विस, मैं राष्ट्र सेवा भी करना चाहता हूँ, तो राष्ट्र के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसे भी निभाना चाहता हूँ, लोगों की सेवा भी करना चाहता हूँ, और मैं जो है वो लॉ ब्रेकर यानी कानून को तोड़ने वाला भी नहीं बनना चाहता। तो कानून को तोड़ना, ठीक है, तो कानून को मैं तोड़ने वाला भी नहीं बनना चाहता। फॉर विच ही हैड कम, मैं जिसके लिए तो आया हूँ यहाँ पे, किसके लिए आया हूँ, मैं मानवता की सेवा के लिए आया हूँ, मैं राष्ट्र की सेवा के लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं अपने लोगों की सेवा के लिए मैं इस मोतिहारी कस्बे में और मैं इस चंपारण में आया हूँ। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, और इसलिए गांधी जी कहते हैं मैंने यहाँ से जाने का जो आदेश था उसका उल्लंघन किया, मुझे कहा गया था ना कि आप यहाँ से चले जाइए, मैंने इसीलिए उस आदेश का क्या किया, मैंने डिसरिगार्ड किया, मैंने उसका उल्लंघन किया है। नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटीज, क्यों, इसलिए नहीं, नॉट फॉर वांट ऑफ रेस्पेक्ट, इसलिए नहीं, वांट ऑफ रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान में कमी, किसकी, फॉर लॉफुल अथॉरिटीज, जो कानूनी अधिकारी हैं उनके सम्मान में कमी के लिए नहीं, बट इन ऑबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बींग, लेकिन हमारे जो एक मनुष्य, मतलब हम एक इंसान हैं, तो इंसान बनने का हमारा जो सर्वोपरि कानून है ना, उसके सम्मान के लिए द वॉइस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, और विवेक का जो हमारे जो एक जो सेंस है, विवेक का भाव जो हमारे भीतर है, उसके सम्मान के लिए ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, और गांधी जी ने कहा अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे उचित दंड दिया जाए, अगर मैं गिल्टी हूँ, अगर मैं दोषी हूँ, तो गांधी जी ने यहाँ पे उचित दंड की मांग करी कि अगर मैं दोषी हूँ तो आप मुझे सजा दीजिए, राष्ट्र सेवा करना अगर आपके हिसाब से अगर गलत काम है तो आप मुझे सजा
सजा दीजिए। मानवता की सेवा करना अगर आपके हिसाब से गलत है तो आप मुझे सजा दे सकते हैं, आप मुझे दंड दे सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से गांधी जी ने अपनी बात वहाँ पर रखी। नेक्स्ट, द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 आवर रिसेस एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। अब जब गांधी जी की बात पूरी हुई तो उसके बाद में जो मजिस्ट्रेट था, है ना, जो वकील था, जो जज था, मजिस्ट्रेट मतलब जो जज था, उस जज ने घोषणा करी। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। तो उस जज ने बच्चों क्या किया कि उसने घोषणा करी कि ही वुड प्रोनाउंस, कि वो जो है वो सुनाएगा, है ना। प्रोनाउंस का मतलब होता है वैसे घोषणा करना, तो वो सुनाएगा क्या सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब सजा, सेंटेंस मतलब सजा, कि वो सजा सुनाएगा। आफ्टर 2 आवर रिसेस, 2 घंटे का हम अभी विराम लेंगे, 2 घंटे का हमारा इंटरवल रहेगा, रिसेस रहेगी। 2 घंटे के विराम के बाद फिर से कोर्ट लगेगा और उस दौरान फिर मैं वो सजा रहेगी वो सुनाऊंगा। लेकिन इस 2 घंटे के दौरान, या 2 घंटे में जो है 120 मिनट होते हैं, तो इस 120 मिनट के दौरान जो है मैं एक मौका देता हूँ कि गांधी जो है वो क्या करें, गांधी जो है वो जमानत के लिए जो है अपनी अर्जी लगा सकते हैं। अगर आप इस, क्योंकि 2 घंटे के बाद तो सजा होगी, है ना, हम 2 घंटे के बाद सजा सुनाएंगे, लेकिन इस 2 घंटे के दौरान अगर आप जमानत पे जो है जाना चाहते हो तो आप अपनी बेल लगा सकते हो। हाँ, गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने मना कर दिया, नहीं मुझे बेल नहीं चाहिए, मुझे जो है वो जमानत नहीं चाहिए। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और आखिरकार मजबूर होकर के बच्चों उस जज को, गांधी जी को रिलीज करना पड़ा, गांधी जी को जो है बिना जमानत के छोड़ना पड़ा। यहाँ पे बिना जमानत के उन्होंने गांधी जी को छोड़ दिया। When the court reconvened, अब कोर्ट जब दोबारा शुरू हुआ, reconvened का मतलब होता है दोबारा शुरू होना, दोबारा शुरू हुआ। द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। दोबारा जब 120 मिनट के बाद, यानी कि 2 घंटे के बाद जब फिर से कोर्ट लगा, तो कोर्ट ने कहा, जज ने क्या कहा कि ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट, कि हम डिसीजन नहीं देंगे। अब क्या डिसीजन, मतलब जो होना था, अब किस पक्ष में होना था, तो उन्होंने सलाह मशविरा करा होगा कि भाई अगर हमने गांधी के खिलाफ अगर हमने डिसीजन दिया तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कोई जो है वो अनियंत्रित स्थिति हो सकती है। तो जज ने कहा कि हम कई दिनों तक जो है उसको जजमेंट को हम नहीं देंगे। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी, और इसी दौरान एक बात और हुई कि उन्होंने गांधी को अपनी इच्छा पर अब स्वतंत्र छोड़ दिया कि आप रहना चाहें तो रह सकते हैं, क्योंकि पहले बाध्य किया था आपको जाना पड़ेगा यहां से, लेकिन अभी क्या किया, अभी पहली बात तो कि गांधी जी को उन्होंने छोड़ दिया बिना जमानत के, आपको जमानत करवाने की जरूरत नहीं, और दूसरी बात ये जो हम जब तक जो सजा नहीं सुना देते हैं तब तक गांधी जी अपनी इच्छा पर जो है वो स्वतंत्र रूप से जहां रहना चाहे वहां पर रह सकते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है, देखो, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, ये जितने भी वकील थे, राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजरूल हक और दूसरे अनेक जो प्रोमिनेंट, जो प्रभावशाली वकील थे, प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावशाली, ठीक है, तो ये प्रभावशाली जितने भी जो वकील थे, है ना, प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, जो बिहार से आ गए थे। दे कन्फर्ड, कन्फर्ड का मतलब होता है डिस्कस करना, विचार विमर्श करना। दे कन्फर्ड विद गांधी, उन्होंने गांधी जी से विचार विमर्श किया कि अब हम आगे हमें क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है। व्हाट वुड दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, तो कहा कि अगर गांधी जी को जेल हो जाती है, तो गांधी जी ने कहा भाई अगर मेरे को जेल हो जाती है तो आगे आप क्या करेंगे। तो गांधी आस्क्ड, जब गांधी जी ने पूछा, व्हाई, द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम, इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबॉडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। तो जो सीनियर वकील थे ना, उन्होंने क्या कहा पता है, उन्होंने ये कहा कि भाई हम तो गांधी जी को सलाह देने के लिए यहां पे आए हैं, हम तो गांधी जी की हेल्प करने के लिए आए हैं, और अगर गांधी जी को जेल हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हम तो भाई घर चले जाएंगे। ये जो है वो बच्चों उन्होंने कहा, वकीलों ने ये
कहा। ठीक है बच्चों, तो अभी फिलहाल हम इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। लेकिन ये पूरा वीडियोज, इसके PDF, इसके MCQs, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप मिल जाएगा, वहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।